मैं हूँ एक सोलो क्रिएटर जो साला एक वीडियो बनाने के लिए 7 दिन लगा देता है, रिसर्च करता है, फिर स्क्रिप्ट के हिसाब से स्टोरी बनाता है, फिर शूट करता है, एडिट करता है, थंबनेल सोचता है और फिर बनाता है। हट। हाँ, चैट जीपीटी से मैं ये सारे काम करवा सकता हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, पहले रिसर्च लिख, फिर स्क्रिप्ट बना, स्टोरी बता, शूट वूट मैं कर लूंगा बाद में, तू उसकी टेंशन मत ले। ये रिजल्ट्स भाई, ये कैसे, क्या फॉर्मेट, क्या, अबे मुझे फॉर्मेट में चाहिए। अब तूने ये बता दिया कैसे बनाओ। बेटा अगर मैं ये बताऊंगा लोग मुझे एब्रिविएशन में कमेंट में गाली देंगे, और इन्हीं सब चीजों की वजह से मेरा एआई पे थोड़ा विश्वास कम हो जाता है। तुम्हारा भी हो जाता होगा। लेकिन एक बात समझो, ये एआई टूल्स या एआई एजेंट्स जो होते हैं वो एक नए एम्प्लॉय की तरह होते हैं। आपका नया एम्प्लॉय वो आपको तब तक काम नहीं दे पाएगा करके जब तक आप उसे, आप ये नहीं बताओगे कि आप कैसे काम करते हो, आप ये नहीं बताओगे कि आप क्या करवाना चाहते हो, कैसे करवाना चाहते हो। एक केमिकल फैक्ट्री में बिना ट्रेनिंग के इंटर्न को तो आप नहीं भेजना चाहोगे ना। सेम इसी तरीके से हर एआई को एक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। तो आज हम इस वीडियो में ना केवल एआई को फाइन ट्यून करेंगे, उस फाइन ट्यून एआई मॉडल को एक एआई एजेंट में कन्वर्ट करेंगे और मल्टीपल एआई एजेंट्स को कोलैबोरेट करवा के उनसे काम निकलवाएंगे, वो भी विदाउट 0.1% कोडिंग के साथ। अटक जाए यार, गर्मी लग रही है। तो मेरा प्लान क्या है, मेरा प्रोजेक्ट क्या है जिसके ऊपर मैं एआई एजेंट बना रहा हूँ। अब मेरा ज्यादातर टाइम ये सोचने में जाता है कि यार मैं क्या स्क्रिप्ट लिखूं और कैसे स्क्रिप्ट लिखूं, उसमें स्टोरी क्या बनाऊं ताकि मैं आसानी से कम्युनिकेट कर पाऊं। लेकिन वो उतना ही ज्यादा आज कॉम्पिटेटिव हो चुका है, क्योंकि आज आपके पास लिटरली और प्रैक्टिकली सिर्फ 30 सेकंड है वीडियो के। चाहे आप 10 मिनट या 1 घंटे की भी वीडियो बना रहे हो, पहले 30 सेकंड वो की है। और अगर शॉर्ट्स की बात करें तो पहले 5 सेकंड्स वो की बन जाते हैं। तो आपको उतनी देर में ऑडियंस को अपनी तरफ लेना है, वरना वो छोड़ के भाग जाएगी जैसे अभी तुम भागने वाले थे। अब उस चीज़ के अंदर मेरा टाइम चला जाता है। अगर नहीं जाता हो तो मैं और ज़्यादा दम लगा पाऊंगा एडिटिंग में। तो मैं चाहता हूँ AI उस तरीके से मेरे लिए काम करे, और इस प्रोजेक्ट का हमने नाम दिया है हुक स्क्रिप्टिंग। आज हमें तकरीबन 4 साल होने वाले YouTube पे, 850 से ज्यादा वीडियोस डल चुके हैं। इवन कॉम्पिटिटर्स की वीडियोस को मैं देखता हूँ अपने आप को सिखाने के लिए। तो वहां से हमने अपनी स्क्रिप्ट का ना एक फॉर्मेट डिजाइन किया, वो वहां पर चिपका हुआ है। उस फॉर्मेट का हमने नाम दिया था बाइट पी, और ये फॉर्मेट जब हमने बनाया था ये देख के बनाया था कि हमारी कुछ वीडियोस में ज्यादा व्यूज हैं, वो क्यों है, उनको रिसर्च किया, उनको एनालाइज किया। फिर हमने दूसरों की वीडियोस देखी कि उनके व्यूज कैसे आ रहे हैं, उनकी स्क्रिप्ट कैसी है, उनका डिजाइन कैसा है। और ये काम पूरा करने में मुझे तकरीबन 1 महीना लगा जब मैंने अपनी ये वाली वीडियो डाली थी एआई एजेंट वाली। तो इस फॉर्मेट में बी का मतलब है बोल्ड स्टेटमेंट। हमेशा अपनी वीडियो की शुरुआत मैं बोल्ड स्टेटमेंट से करना पसंद करता हूँ। बोल्ड स्टेटमेंट के बाद एक पिंच ऑफ सॉल्ट क्यूरियोसिटी डालने के लिए, फिर जो आप वैल्यू देने वाले हो वीडियो में उसे टीज करना, फिर ऐसी चीज बताना कि जिससे आप इंगेज कर पाओ या रिलेट कर पाओ, और अंत में पी का मतलब यहाँ पर आप प्रॉमिस करने वाले हो आउटपुट के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये टाइटल सोच लिया वीडियो का, कैन आई बिकम अ क्रिएटर इन 2025। तो इसकी स्क्रिप्ट इस फॉर्मेट में कैसे बनेगी? क्या अब तुम्हारा समय बीत चुका है कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए 2025 से, या ये एक परफेक्ट टाइम पीरियड है तुम्हारे लिए? तुम्हारे सामने अब कैसे चैलेंजेस और नई अपॉर्चुनिटीज इस साल आएंगी, और उसको ध्यान में रखते हुए क्राउड से कैसे डिफरेंट दिखा जाए? इस वीडियो में मैं आपसे हर एक वो बात शेयर करूंगा जो एक कंटेंट क्रिएटर को 2025 में पता होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ग्रोथ हैक्स और प्लेटफॉर्म इनसाइट्स जो बहुत कम लोग जानते हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हम और आप यही सोचते हैं कि कंपटीशन अब बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी एक रियलिटी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस वीडियो के अंत तक आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि ये पाथ आपके लिए बना है कि नहीं, और आप कॉन्फिडेंस से कह सकेंगे कि हाँ या ना। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में स्क्रिप्ट को बनाया जाता है। अब मैं चाहता हूं कि AI इसी फॉर्मेट में मुझे स्क्रिप्ट्स लिख के दे अपने टॉपिक के लिए, जो भी मैं उससे पूछूं, या ऑटोमेटिकली टॉपिक्स भी जनरेट करे मेरे लिए। तो उसे ट्रेन करना पड़ेगा इसी फॉर्मेट के ऊपर। अब अगर चैट जीपीटी से मैं यही टॉपिक की डिमांड करूं कि इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिख के दे, तो वो कुछ ऐसे लिख के देगा। तो ये स्क्रिप्ट तो बाइट पी के हिसाब से नहीं है भाई। इसे हम करेंगे अब फाइन ट्यून। हम AI को ये बताएंगे नहीं, उसे दिखाएंगे कि उसे कैसे बनाना है। मैंने तकरीबन 20 से 50 एग्जांपल्स बनाए कि ये स्क्रिप्ट कैसे दिखनी चाहिए और किस फॉर्मेट में दिखनी चाहिए। और फाइन ट्यूनिंग का मतलब यही होता है कि AI मॉडल को स्पेशलाइज करना आपके कस्टमाइज्ड डेटा के ऊपर। अब जितने भी मैंने ये एग्जांपल्स बनाए उसे हम कहते हैं डेटा सेट। इसको AI समझेगा कि किस फॉर्मेट में है, किस टोन में है, उसके हिसाब से अपने आप को ट्यून करेगा, और उसे ये पता चल जाएगा कि मुझे अब जो भी स्क्रिप्ट लिखनी है वो इसी फॉर्मेट के अंदर लिखनी है। अब हम इसके अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे।
भले हम कॉमर्स के स्टूडेंट हों। अब फॉर एग्जांपल ये मेरी एक स्क्रिप्ट का फॉर्मेट है, अब अगर एआई इसे जनरेट करता तो क्या प्रॉम्प्ट होता वो सोचो। अब फॉर एग्जांपल हमें ये प्रॉम्प्ट डालना पड़ता, अब आपको यही चीज अपने हर पोस्ट, हर स्क्रिप्ट जो आपने लिखी है या हर डेटा सेट के ऊपर क्या प्रॉम्प्ट होना चाहिए उसे सोचना है। हाँ, अगर तुम आसान करना चाहते हो इसको और थोड़ा, तो चैट जीपीटी से डायरेक्टली आपके पोस्ट को कॉपी करके पूछ सकते हो कि इसका प्रॉम्प्ट क्या होगा। ज्यादातर केसेस में वो अच्छे ही बताता है, बस उसको कॉपी और पेस्ट करो। अब हम जाएंगे platform.openai.com पे, अपने चैट जीपीटी अकाउंट से साइन अप करो, डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करो, फाइन ट्यूनिंग के ऑप्शन पे जाओ और क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करो। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर JSNL फाइल ये मांग रहा है हमसे, तो वो कहाँ से लाए हैं? अब प्रोग्रामर्स या कोडर्स होंगे वो मेरी बात समझ जाएंगे, हालांकि मैं भी बिगनर ही हूँ तो आप ये मत सोचना कि इसमें कोडिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हाँ, भले मैंने इसके लिए पढ़ाई की हो लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की है, तो ये कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको मत समझना। यानी जेसन को हर लाइन के हिसाब से एग्जाम्पल देना, JSNL। तो हमने जो अभी तक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं उसे हमें इस एक लाइन के जेसन फॉर्मेट में उसे डालना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मेट है जेसन का, और ये फॉर्मेट आपको ओपन एआई की साइट पे भी देखने को मिल जाएगा कि आपको इसी फॉर्मेट के साथ फाइल को अपलोड करना पड़ेगा। तो जहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा है वहाँ पर आप वो प्रॉम्प्ट डालेंगे जो आपने एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ था, और आगे जो हमारा रोल है असिस्टेंट का वो कैसे रिप्लाई देगा, वो पूरा रिप्लाई जो आपने बनाया था उसे हम डालेंगे, उसे कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे रिप्लाई की जगह। और ऐसे ही आपको हर एग्जांपल के साथ करना है, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, कभी कभी यहाँ पर एरर भी शो किया जाता है, और मेरे पहले के 3 फाइन ट्यूनिंग मॉडल्स तो फेल ही थे। तो आप सीधा चैट जीपीटी पे जाइए, O3 मिनी हाई मॉडल को सिलेक्ट कीजिए, अब वहां पर आपकी जो फाइल है TXT फॉर्मेट उसे अपलोड कीजिए और चैट जीपीटी को कह दीजिए कि इस फाइल को करेक्ट करो और इसको JSNL फॉर्मेट में बनाओ, तो ये आपकी TXT फाइल को JSNL फॉर्मेट में लिख देगा। डाउनलोड का ऑप्शन देता है लेकिन डाउनलोड होता नहीं है, सही बताओ। तुम सीधा यहाँ से कॉपी करो और अपने नोटपैड पे आके पेस्ट कर दो। फाइल के ऑप्शन पे जाओ, सेव एज पे क्लिक करो, अपनी फाइल का नाम दो और .jsnl एक्सटेंशन लगा के ऑल फाइल्स को सिलेक्ट करके सेव कर दो, तो ये JSNL फॉर्मेट एकदम करेक्ट होगा। अब हम आएंगे platform.openai.com पे, क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, JSNL फाइल को अपलोड करेंगे, अपना बेस मॉडल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैं GPT-4 को ले रहा हूँ अभी। अब ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लेगा आपकी फाइल को ट्रेन करने के लिए, तो हमारा मॉडल यहाँ पर ट्रेन हो चुका है, चलो इसे टेस्ट करते हैं। तो प्लेग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक करो। अब मैं इसे सवाल पूछता हूँ एक टाइटल के हिसाब से, क्रिएट अ हुक स्क्रिप्ट ऑन द टॉपिक और एंटर कर दूंगा। लेफ्ट साइड में जो आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो जीपीटी हमें बना के देता, और जो हमने डेटा ट्रेन किया है वो आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा। तो आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि अब जो हमने फॉर्मेट में इसे ट्रेन करवाया है उसके हिसाब से इसने स्क्रिप्ट लिख के दी, और काफी अच्छी स्क्रिप्ट लिख के दी है। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, फिर मत कहना कि तुमने मुझे अंधेरे में रखा। फाइन ट्यूनिंग के लिए कुछ कॉस्ट लगता है, और फाइन ट्यून डेटा को रन करवाने के लिए आगे जो हम करेंगे एआई एजेंट से उसके लिए API की लगती है, तो उसको रन करने के लिए आपको कॉस्ट लगाना पड़ेगा। अभी मैं मैथ्स में नहीं जा रहा हूँ, वो आपको पिंड कमेंट में देखने को मिल जाएगा कि क्या मैथ्स होती है, लेकिन फिलहाल मैंने $8 के क्रेडिट्स टोकन लिए थे, उतने काफी है इसको ट्रेन और उसे रन करवाने के लिए। हाँ, आप मिनिमम $5 तक ले सकते हैं, उससे भी आपका काम हो जाएगा। अब एक प्रो टिप देता हूँ, ये जो मैंने मॉडल बनाया है, जो मेरा प्रोजेक्ट है, मैं फ्यूचर की परस्पेक्टिव से बना रहा हूँ कि यार दूसरे के लिए भी काम आ पाए, लेकिन अगर आप ये खुद के लिए बनाना चाहते हो तो आपको उसके लिए एक स्पेसिफिक ब्रांड ब्रीफ लगेगा, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था ब्रांड ब्रीफ होता क्या है, आपका मिशन, विजन, आपकी टोन, आपका स्टाइल। अगर फॉर एग्जांपल ये जो पोस्ट इसने जनरेट करके दिया ये एक जनरल पोस्ट है उस टाइटल के हिसाब से, लेकिन मेरे चैनल का स्टाइल डिफरेंट है, मैं थोड़े और अंदाज में उसे पेश करना चाहता हूँ, मेरे चैनल का ये टारगेट ऑडियंस है, ये मिशन है मेरा, ये विजन है, तो वो उसके हिसाब से पोस्ट जनरेट करके देगा अगर आप उसे अपना ब्रांड ब्रीफ दोगे तो। लेकिन फिलहाल के लिए मैं उसे नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी डालना है तो मैं बताता हूँ कैसे डालते हैं। अब एज एन रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर मैं यही कहूंगा कि अगर आप अपना ब्रांड ब्रीफ बना रहे हो तो भाई खुद लिखो तो अच्छा है, आपके ब्रांड के साथ भी आपका थोड़ा मेल जोल बढ़ेगा, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं करना चाहते तो चैट जीपीटी है। और अगर आप अपने यूट्यूब चैनल के हिसाब से कस्टमाइज स्क्रिप्ट बनवाना चाहते हैं, या आपका चैनल का क्या विजन है या टारगेट ऑडियंस क्या है उसके हिसाब से बनाना चाहते हैं, क्योंकि आगे जाके वो उसके हिसाब से पोस्ट भी जनरेट करेगा, ये मत भूलिएगा, तो ब्रांड ब्रीफ जरूरी तो होता है। तो आप सीधा अपने YouTube स्टूडियो के डैशबोर्ड पे आओगे ना, फिर अर्न के ऑप्शन पे जाओ, ब्रांड कनेक्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करो। वहां पर आपको व्यू मीडिया किट पे क्लिक करो, आपके चैनल के सारे स्टैट्स, आपकी टारगेट ऑडियंस, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्टेड टॉपिक्स,
इंटरेस्टेड लोग का क्या शॉपिंग इंटरेस्ट है, वो सब बातें आपको पता चल जाएगी। उसको डाउनलोड कर दो पीडीएफ में और फिर इस पीडीएफ को ले जाके चैट जीपीटी में अपलोड करो और पूछो, भाई तू ब्रांड ब्रीफ बना देगा मेरा? वो बना देगा खुशी खुशी। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मेरा विजन या मिशन या मेरी टोन कैसी होनी चाहिए, वो आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, कस्टमाइज कर सकते हो। मैंने आपको बस ये ब्रांड ब्रीफ बनाने का एक तरीका बताया। देखो, एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी, अभी ये एक AI एजेंट कहलाने लायक है क्योंकि हमने इसे अपने डेटा के ऊपर ट्रेन करवाया है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसमें मुझे अभी भी सारा काम मैनुअल करना पड़ेगा। मुझे इससे पूछना पड़ेगा कि यार इस टॉपिक के हिसाब से स्क्रिप्ट दे। लेकिन मैं ये काम ऑटोमेटिकली करवाना चाहता हूँ, और क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि मल्टीपल एजेंट्स को बनाऊँ और वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें और मुझे आउटपुट लेके दे। तो मैं क्या करूँगा, मैं दो एजेंट्स बनाऊंगा। एक एजेंट मेरे लिए आइडियाज जनरेट करके देगा और दूसरा एजेंट मुझे वो स्क्रिप्ट लिख के देगा जिस फॉर्मेट में मैंने अभी उसे ट्रेन करवाया है। हाँ, आप तीसरा फीडबैक एजेंट भी लगा सकते हैं ताकि आपके पास जो आउटपुट पहुंचे वो एकदम क्वालिटी वाला पहुंचे। लेकिन फिलहाल मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मुझे इन दोनों की ज्यादा जरूरत है। तो मैं सीधा जाऊंगा N8N वेबसाइट है AI एजेंट्स बनाने की। अब जैसे ही आप N8N के डैशबोर्ड पे आएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रेडेंशियल्स को ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारे आगे की प्रोसेस जो है वो काफी सीमलेस हो जाए। क्रेडेंशियल्स मतलब आप उन्हें एक्सेस दे रहे हो आपके जो थर्ड पार्टी एप्स हैं उनका। अब जो डेटा मैंने OpenAI पे ट्रेन किया है वो तो वहाँ है ना, मुझे यहाँ लाना है, तो वहाँ पर API की जरूरत पड़ेगी। तो सीधा हम क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, OpenAI को चूज करेंगे। अब ये हमसे सीक्रेट की मांग रहा है। अब platform.openai.com पे जाके API की को सर्च कीजिए और नई की बना लीजिए, इसे कॉपी कीजिए और यहाँ आके पेस्ट कर दीजिए। अब दो तीन साइड मुझे और चाहिए थे इसमें, लेकिन फिलहाल के लिए मैं नोशन का API भी इसमें इम्प्लीमेंट करूंगा क्योंकि मुझे अपने आउटपुट जो है अपने नोशन पेज के ऊपर चाहिए। तो मैं जाऊंगा अपने नोशन पे, सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, कनेक्शंस के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको डेवलप और मैनेज इंटीग्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और एड आइकन यानी न्यू इंटीग्रेशन को आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। वर्क स्पेस को चूज कीजिए, इंटीग्रेशन का नाम आप दे सकते हैं, इसे सेव कीजिए और आपको अपनी इंटीग्रेशन की मिल जाएगी। अब ये इंटीग्रेशन की आगे बहुत काम आएगी। अब यहाँ आप अपने हिसाब से भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मैंने इन दोनों का ही इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे इतनी की ही जरूरत है। तो हम अपना पहला वर्क फ्लो बनाएंगे अपना ब्रांड ब्रीफ का, ताकि वो हमारे लिए हमारे हिसाब से काम कर सके। तो क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वर्क फ्लो को चूज करेंगे। अपने वर्क फ्लो का पहले आप नाम दे दीजिए, मैं यहाँ पर ब्रांड ब्रीफ नाम दे रहा हूँ। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, व्हेन कॉल्ड बाय अनदर वर्कफ्लो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इनपुट डेटा के सेक्शन पे एक्सेप्ट ऑल डेटा के ऊपर क्लिक करो, वापस आओ, ऐड नोड के ऊपर क्लिक करो और नोशन सिलेक्ट करो, क्योंकि हमारा जो ब्रांड ब्रीफ है हमने नोशन पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया था एक पेज बना के, उस पेज का लिंक यहाँ पर पेस्ट करो। अब हाँ, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप एक सेटिंग नहीं करेंगे। सीधा अपने नोशन पेज पे जाओ जहाँ पर आपने अपना ब्रांड ब्रीफ बनाया हो। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा नोशन पेज है, यहाँ पर मैंने अपना ब्रांड ब्रीफ बना रखा है। तो शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले 3 डॉट्स के ऑप्शन पे क्लिक करो, नीचे आओ तो यहाँ पर आपको कनेक्शंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा और वहां से जो आपने इंटीग्रेशन की बनाई थी नोशन की, उसका नाम दिया था आपने, उसे सिलेक्ट करो। तो हम आएंगे N8N पे, उस पेज के लिंक को कॉपी करके आपने पेस्ट कर लिया होगा, रिटर्न ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करो और इसे टेस्ट करो, तो आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा, मतलब ये वर्क फ्लो अभी काम कर रहा है। अब हम अगले एड नोड पे क्लिक करेंगे, एग्रीगेट नोड बनाएंगे। अब हमें कॉन्टेंट से मतलब है, कंटेंट को यहाँ लाके पेस्ट करेंगे। अब इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं, तो हाँ ये भी चल रहा है, तो आपको अभी इस फॉर्मेट में देखने को मिल रही है। इसे हम एडिट करेंगे, एडिट फील्ड्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, कंटेंट को यहाँ पर पेस्ट करेंगे, स्ट्रिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और एक नई स्ट्रिंग बनाएंगे, इसके आगे बस डॉट जॉइन, इसे टेस्ट की और इसे सेव करी और हमारा ये पहला वर्कफ्लो तैयार हो गया। अब हम दूसरा वर्कफ्लो बनाएंगे और इसका नाम हम दे देते हैं कंटेंट आइडियाज। यहाँ से हमारे कंटेंट जनरेट होंगे जो भी हमने ब्रांड ब्रीफ दिया है, तो वही सिमिलर प्रोसेस जो हमने पिछली बार करी थी वो करके ऐड नोड के ऊपर क्लिक करेंगे और नया वर्कफ्लो एग्जीक्यूट करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ लिस्ट में से आपने जो वर्कफ्लो बनाया हुआ है अभी, मैंने ब्रांड ब्रीफ के नाम से सेव किया तो उसे सिलेक्ट करता हूँ। फिर आगे के नोड पे क्लिक करेंगे, OpenAI को सिलेक्ट करेंगे और मैसेज अ मॉडल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब लिस्ट में से आप अपना मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं फिलहाल के लिए GPT-4o मिनी मॉडल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब हम इसे टाइटल दे सकते हैं या अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं, हमें क्या चाहिए इस टूल से, तो उस हिसाब से ये काम करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन पे आके हम इसे बोलेंगे, यू आर ए प्रोफेशनल कॉन्टेंट क्रिएटर, क्रिएट अ 10 टॉपिक सजेशन दैट अलाइन विद माई
ब्रांड ब्रीफ। जो भी हमने इसे ब्रांड ब्रीफ दिया होगा उसके हिसाब से ये टॉपिक जनरेट करेगा, और नीचे आके इस जेसन आउटपुट फॉर्मेट को लिखो और अपने कंटेंट को यहाँ लाके पेस्ट कर दो, और यहाँ पर नीचे आके आउटपुट कंटेंट एज जेसन के ऊपर क्लिक करो और इसे टेस्ट करो। तो आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ ये काम कर रहा है। अब एडिट फील्ड्स के ऑप्शन पे आओ, अभी उस फॉर्मेट में नहीं था ये। एडिट फील्ड्स पे आके सजेशन के ऑप्शन को यहाँ पर पेस्ट करो, और अब आप टेस्ट करोगे तो हाँ ये एक सिंगल लाइन में आ रहा है। इसे सेव करके अब हम तीसरा वर्कफ्लो बनाते हैं। मैं सीधा अपना मल्टीपल एआई एजेंट बनाना चालू करूंगा जो दो वर्कफ्लोज मैंने बना रखे हैं उनके बेसिस पे। इस वर्कफ्लो को मैं नाम दे देता हूं भाई बिजी क्रिएटर। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब ऑन चैट मैसेज के ऊपर क्लिक कीजिए, ऐड नोड के ऊपर क्लिक कीजिए, एआई एजेंट को सिलेक्ट कीजिए। अब एआई एजेंट को रन करने के लिए हमें मॉडल, उसकी मेमोरी और टूल की जरूरत है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कैसे ये काम करता है। तो चैट मॉडल के लिए हम ओपन एआई जो हमने चूज किया है भाई, पैसे खर्च किए हैं तो उसको डाल देते हैं। मॉडल के ऑप्शन पे वो मॉडल सेलेक्ट कीजिए जिसके ऊपर आपने ट्रेनिंग करवाई है डेटा को, तो वो मॉडल ये रहा। और मेमोरी के लिए मैं यहाँ पर जो बेसिक NN10 प्रोवाइड करता है उसे ले लेता हूँ, और टूल्स के लिए जो हमने वर्कफ्लो तैयार किए हैं उन्हें हम डालेंगे। तो कॉल NN10 वर्कफ्लोस के ऊपर क्लिक करेंगे, वर्कफ्लो का नाम देंगे और उसका डिस्क्रिप्शन डालेंगे, वर्कफ्लो को सिलेक्ट करेंगे। अब हम इस AI एजेंट के ऊपर क्लिक करेंगे दो बार। अब हमें इसे ये बताना है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको क्या गोल अचीव करना है इन टूल्स और मॉडल्स के इस्तेमाल से जो हमने आपको दिए हैं। तो नीचे ऐड ऑप्शन पे आके सिस्टम मैसेज को सिलेक्ट कीजिए, एक्सप्रेशन पे जाके हम इसे डिस्क्रिप्शन देंगे कि तुम एक बहुत अच्छे कॉन्टेंट क्रिएटर हो। अब आप अपना ब्रांड का नाम भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर चैनल ब्रीफ इसको ऑलरेडी दे रखा था तो ये समझ जाएगा। फिर हम इसे कुछ स्टेप्स बताएंगे कि इसके बेसिस पे ही तुम पोस्ट बनाना भाई, तुम्हारा ये ऑब्जेक्टिव है, ये आपके हिसाब से हो सकता है। एक तरीके से ये आपके ब्रांड ब्रीफ की हल्की सी समरी होती है। लेकिन अब टाइम आ गया है इसे टेस्ट करने का। तो चैट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, चैट इंटरफेस खुलेगा, अपना टॉपिक डालिए। अब आप देख सकते हैं कि AI एजेंट काम कर रहा है, इसका एक एक फ्लो आप देख सकते हैं, ये कोलैबोरेट कर रहा है और उसके हिसाब से जनरेट कर रहा है कंटेंट को। इसने ये अभी ऐसा कंटेंट जनरेट करके दिया जो मुझे चाहिए था, लेकिन ये तो platform.openai.com पे भी हो रहा था। लेकिन अब हम इसे ऑटोमेट करना सीखेंगे। उसके लिए हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमें इस आउटपुट का क्या करना है, उसे कहाँ भेजना है, हमें नोशन पेज में भेजना है, ठीक है ना। तो हम सीधा ऐड नोट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नोशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मैं रिसोर्स मैप पेज को चुनूंगा, ऑपरेशन क्रिएट, और उस पेज का URL डाल दूंगा जहाँ पर ये मुझे आउटपुट चाहिए। हाँ ये उसी तरीके से काम करेगा, आपको वो पेज के ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, वहां पर कनेक्शंस को सिलेक्ट करेंगे तभी ये इम्प्लीमेंट होगा। फिलहाल एक्सप्रेशन के ऑप्शन पे आके जावास्क्रिप्ट डालेंगे तो इसी फॉर्मेट में हमें नोशन पेज में दिखाई देगा अपना आउटपुट। तो इसे डालने के बाद हम फिर से एक बार इसको टेस्ट करेंगे चैट करके। अब इसने टॉपिक के ऊपर स्क्रिप्ट बनाई और हमारे नोशन पेज पे अब भेज दिया जिसका हमने लिंक इसे दिया था। तो सीधा हम नोशन पेज पे जाएंगे तो हमें देखने को मिल जाएगा कि इसने हमें आउटपुट भेज दिया, लेकिन अभी भी तो काम मैनुअल हो रहा है, इसको ऑटोमेट करते हैं। तो चैट मैसेज के इस नोड को हम डिलीट करेंगे और एक नया नोड ऐड करेंगे ट्रिगर मैनुअल का। आगे की नोड पे क्लिक करेंगे और एग्जीक्यूट वर्कफ्लो के ऑप्शन को चूज करेंगे। तो हमने जो दूसरा वर्कफ्लो बनाया था कंटेंट आइडियाज का, उसे हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट में से। इसको हम स्प्लिट आउट नोड से कनेक्ट करेंगे। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करो, स्प्लिट नोड को सिलेक्ट करो, वहां पर अपने सजेशंस डालो। स्प्लिट नोड के बाद हम एक एडिट नोड बनाएंगे, तो एडिट नोड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब एडिट फील्ड्स में जाके जेसन को सिलेक्ट करेंगे और फील्ड एक्सप्रेशन में आके इस स्क्रिप्ट को डालेंगे। वापस आके हम अपने एडिट नोड को AI एजेंट से कनेक्ट करेंगे और सिंपल मेमोरी में आके ये स्क्रिप्ट डालेंगे और डन। तो इसे टेस्ट करते हैं। तो आप वर्कफ्लो जब टेस्ट करोगे तो ये ऐसे काम करेगा। तो अब ये ऑटोमेटिकली जो मैंने इसे सजेशंस दिए हैं, जो डेटा ट्रेन किया है, उसे नोशन पेज पर पहुंचाएगा। 10 डेटा हो जाएंगे, ये फिर से पहुंचाएगा 10। तो इस पूरे वीडियो का जो मकसद था वो समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भीमजी।